Hey guys, do subscribe and hit the bell icon to never miss any update from Shemaroo Youth. है क्या तेरे पास? ए चल, पैसा वैसा नहीं है, चल पतली गली से वंटा सो। सुन ना, है क्या तेरे पास? अरे पैसा नहीं है बोला ना तेरे को, हाँ? और वैसे भी अपन धंधे के टाइम में रंडी बाजी नहीं करता, चल निकल। हम दोनों जानते हैं मैं क्या मांग रही हूँ, बोल है तेरे पास? देख पुलिस का लफड़ा हुआ ना, माँ कसम धंधे करने के लायक नहीं छोड़ूंगा। तू टेंशन मत ले रहे, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, बस थोड़ा सा माल दे दे, मुझे बहुत तलब लग गई। ले 1000 का बुड़ी। हमें तेको कल दे दे। ए चिनाल, पैसा नहीं है ना तो नौटंकी नहीं, पैसा दे और माल लेके जा। देख मेरे को दे दे पूरी, मैं तेको देती हूँ ना कल। चल निकल। सुन तू मेरे को पूरी दे दे और उसके बदले ना तुझे। कहाँ से उड़ाया रे इतना माल? अपने भी कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं। सच बता हरामी, कहाँ से उड़ाया? लंबे से बेचना होगा ना देखो, बता मेरे भी कॉन्टैक्ट्स हैं। तेरे कौन से कॉन्टैक्ट्स पे? यही बबलू दारू ने, मुन्ना अली और ये लियाकत, लियाकत कुरेशी। ए चूतिया ना, अपने बाप को बनाना, समझी क्या? मैं सच बोल रही हूँ, और भी मिलवा सकती हूँ तेरे को, और वैसे भी ना चूतिया बनाने के लिए ना अपने बाप का पता होना बहुत जरूरी है। कम से कम 50 पेटी का माल होगा ना तेरे पास? ज्यादा नहीं, बस 5 पेटी दे देना मुझको। कब चलना है बोल? और सुन, कोई शान पट्टी नहीं। हाँ हाँ समझ गई। समझ गई। लेकिन उसके पहले ना देखो मुझे बताना पड़ेगा कि तूने इतना माल चुराया कहाँ से है रे? देख गफूर भाई का तो नहीं है ना? देख मुझे कोई लफड़ा नहीं चाहिए ना। अरे गफूर का नहीं है, ये अपना सरस्वती नगर के पीछे का माल है, अपना शास्त्री है ना शास्त्री, अरे अपना वो मास्टर, उसी के यहाँ काम करते करते हाथ साफ किया। अच्छा तुझे डर नहीं लगता किसी को पता चल गया तो? मेरी जान अब कुछ बड़ा करना है तो Damn it.
मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूंगी मिस्टर रफीक। ये जो दुनिया है ना, इसमें सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ। और बदलाव के इस समय में इफ एनीथिंग विच इज कॉन्स्टेंट दैट इज वॉर। और ये वॉर जर जोरू या जमीन का नहीं है, ये वॉर है वर्चस्व का, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और इस दुनिया में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए इंफॉर्मेशन, जानकारी और डेटा का होना बहुत जरूरी है। अगर मुझे तुम्हारे किसी राज या कमजोरी का पता है तो मैं अपना दबदबा तुम पे बना सकती हूँ। एंड ऑफ कोर्स इट्स वाइस वर्सा। ऐसी इंफॉर्मेशन पाने के लिए है कुछ क्यूरियस और पावरफुल लोग जो आपके और मेरे जैसे प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं। हाँ, हमारा इंफॉर्मेशन निकालने का तरीका अलग अलग है, राइट मिस्टर रफीक? सो टेल मी मिस्टर रफीक, इज दिस इंफॉर्मेशन वर्थ योर लाइफ? चलो एक बार फिर शुरू करते हैं। बताओ, पहली बार उससे कब मिले थे? पानी, पानी, पानी चाहिए? देती हूँ ना, लेकिन उससे पहले एक गेम खेलते हैं, वाटर विद बेबी एंड विल स्ट्रेट जंप टू द रैपिड फायर क्वेश्चन। रेडी? आप दोनों पहली बार मिले थे? हाँ। क्यों? सर्विसेज, माय सर्विसेज। व्हाट काइंड मिस्टर रफीक? एक सब्जेक्ट की डिटेल्स। डिटेल्स? हाँ, बैकग्राउंड चेक एंड अदर डिटेल्स। आखिरी सवाल, सब्जेक्ट का नाम? पानी, पानी। स्टार्ट। उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था ठीक शाम को 7 बजे, अपने रेसिडेंस पे बुलाया था। क्या लेंगे आप, चाय, कॉफी या जूस? जी चाय। जी, मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, मैं अभी आई। शिवा सो का बहुत अच्छी तरह से बात कर रही थी वो, लेकिन मुद्दे की बात नहीं कर रही थी वो। पर अब समझ में आ रहा है कि वो इतना समय क्यों ले रही थी। जस्ट बेयर विथ मी, मैं जो कह रहा हूँ इसके पीछे एक वजह है। वो चाय लेकर आई। शिवास, वेरी वेलकमिंग। उन्होंने तरह तरह की बिस्किट और कुकीज टेबल पे रखी थी। शी वॉन्टेड मी टू बी कम्फर्टेबल। ओ कट द क्रैप, आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि आपने चाय पी या कॉफी, कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। शक्कर? जी, एक चम्मच। गुड मिस्टर रफीक, चाय में चीनी का प्रपोर्शन ऑप्टिमम होना बहुत जरूरी है, ना कम ना ज्यादा, वरना चाय का मजा किरकिरा हो जाता है। दैट्स व्हाई आई लाइक योर चॉइस टू गो विथ 1 स्पूनफुल ऑफ शुगर। जी शुक्रिया। ज्यादा रिस्क नहीं लिया आपने, आपके काम करने का तरीका भी कुछ इस तरह है। You work with 20% risk and 80% technique, which means less of heart and more of brain. इसलिए मुझे मेरे काम के लिए आप सबसे सक्षम इंसान लगते हो। माफ कीजिएगा, पर कल आपसे मैंने एक सवाल पूछा था जिसका जवाब मुझे अब तक नहीं मिला। मैं फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट होने के साथ साथ एक क्रिमिनोलॉजिस्ट भी हूँ, जिससे काफ़ी अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से
मुझे कई केसेस में कंसल्टेशन देने का मौका मिला है. अब तक कुछ कॉन्टैक्ट्स, कुछ रिसोर्सेस मेरे भी बन गए हैं जिनसे इम्पोर्टेंट लोगों से संपर्क हूँ. बस यूँ समझिए कि ऐसे ही किसी इंसान से आपका कॉन्टैक्ट मिला. और भी 3 लोगों का कॉन्टैक्ट मिला था, पर जैसे कि मैंने बताया, मुझे मेरे काम के लिए आप सबसे सक्षम इंसान लगते हो, इसलिए मैंने यहाँ आपको बुलाया. वैसे आपको मेरा कॉन्टैक्ट किसने दिया और आपको मुझसे क्या चाहिए? येलो केक इराडिकेशन की इंफॉर्मेशन, टू बी प्रिसाइज. और आपके पहले सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकती. येलो केक इराडिकेशन? हाँ, दुनिया के लिए एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है. कुछ लोगों का तो मानना है कि इट्स अ हॉक्स, पर पता नहीं क्यों जब जब लोग किसी चीज़ के बारे में कहते कि वो है ही नहीं, या फिर हॉक्स है या पॉसिबल ही नहीं, तब तक मुझे कॉन्स्पिरेसी की बुआ नहीं लगती है. वरना आप ही बताइए, हम ये मानने के लिए तैयार हैं कि खुदा है, लेकिन दुनियादारी की चीज़ों की वजूद पर हमें शक है. हम उसे नकार रहे हैं. Why? आई थिंक येलो केक इरेडिकेशन इज पॉसिबल, और उनसे भी मैंने यही कहा. तो आप येलो केक इरेडिकेशन के बारे में जानते हैं? उतना ही जितना मेरे कुछ दोस्त जानते हैं जो काउंसिल में बैठे हैं. बीटा डी के प्रोसेस और उससे रिलेटेड सारी चीज़ें जो कि हट सकती हैं, लेकिन पूरी चीज़ें समझना मुश्किल नहीं. पर उससे पहले मुझे ये समझना होगा कि ये प्रैक्टिकली कहीं अप्लाई हुआ है या नहीं. मुझे येलो केक इराडिकेशन के बारे में पूरी जानकारी चाहिए. नोटेड. पर क्यों? उससे आपको कोई मतलब नहीं है. मैडम, मैं काफ़ी समय से प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हूँ, स्पेशलाइजिंग इन वॉर क्राइम्स. 11 साल हो गए, 11 साल में पहली बार किसी ने मुझे येलो केक इराडिकेशन के बारे में पूछा है, वो भी बिना किसी रेफरेंस के. और आपके जॉब प्रोफाइल को अगर ध्यान में रखा जाए तो हो ना हो ये इन्फॉर्मेशन आपके किसी केस से रिलेटेड लगती है, वरना एक फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट को प्री रिएक्टर सिंथेसिस में क्या दिलचस्पी रहेगी? आप ज़रूर मुझसे कुछ छुपा रही है, इनफैक्ट बहुत कुछ. और जैसे कि आपने फरमाया कि मैं 20% रिस्क पर काम करता हूँ, यहाँ तो रिस्क 95% है. व्हाट मेक्स यू थिंक दैट आई विल बी एबल टू वर्क ऑन इट? आप मुझसे सारा आउटपुट एक्सपेक्ट कर रही है विदाउट एनी इनपुट, और वो भी ऐसी क्लासिफाइड चीज़ के लिए विच इज़ वेरी हाई रिस्क. मैडम सॉरी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता. और चाय के लिए शुक्रिया. मिस्टर रफीक, प्लीज प्लीज हेल्प मी. सॉरी मैम, आई कांट. सर प्लीज, इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ. यस यू आर राइट, इट्स माइन. सर आप समझ नहीं रहे हो. सॉरी मैम, आई कांट. एबीसी अग्रीमेंट. क्या कहा आपने? द एबीसी अग्रीमेंट. मेरे पास वक्त बहुत कम है मिस्टर रफीक, और आपके पास तो उससे भी कम. बेहतर होगा कि आप थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताएं. जी मैडम. मैं जो भी कहूंगी उसे ध्यान से सुनना, मैं दोहराऊंगी नहीं. शिवम भार्गव अक्यूज्ड ऑफ हीनियस मर्डर्स, ये सारी डिटेल्स है. डिपार्टमेंट का मानना है कि इसने ही ये सारे मर्डर्स किए हैं. और आपका क्या मानना है? मैंने डिपार्टमेंट की जगह आपको अप्रोच किया है, कुछ तो वजह होगी ना जनाब. वही तो, आपने अपने इंचार्ज मिस्टर हाँ सहाय को क्यों नहीं बताया? क्योंकि तूफान में भंवरा घुमाना मूर्खता है.
करीब 15 साल हो गए हम एक दूसरे को जानते हैं. And I know what he is capable of. Okay. वैसे शिवम भार्गव की कोई क्राइम हिस्ट्री? इससे पहले ही वो टोटली क्लीन. कोई रिलेवेंट डिटेल्स? मोर्स कोड. मोर्स कोड से इसने ये कम्युनिकेट किया है. Check in the notepad. Dee da dee da da da. Listen to me. Dee da dee da. Dee da dee da da da. आपसे ज़्यादा मैं अवाक थी. इसलिए अगले दिन मैंने उसको कन्फ्रंट किया. पर उसने जो कहा वो बहुत अजीब था. क्यों बे? आज अकेले अकेले बैठा है. रमेश क्या गया? कॉलर तो नहीं गया रे. आजा बैठ. साथ में जुझावा देखते. कल जो तुमने किया कैसा मजाक था वो? जब कोई मेरी बात नहीं सुनता है या जब मुझे किसी से बात नहीं करनी होती है तो मैं ऐसे ही चैंटिंग शुरू कर देता हूँ जस्ट टू डील विथ माय स्ट्रेस, यू नो. तो क्या आप हमेशा ऐसे ही गाना गा के डी डी डा राइट? आर यू सजेस्टिंग? आई रेकन दैट. और उसी मजाक की मैं बात कर रही हूँ. वो आपको मजाक लगता है? भार्गव जी, आप मुझे जेन्युइनली बताइए. चलो माना कि आपके आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग है, माना कि मुझे बायस नहीं होना चाहिए, लेकिन वो सीरियसली क्या बेसिस है? एंड इवन इफ इट इज द ट्रुथ, then why would you share it with me? Why? वो चीज मुझसे क्यों? I understand अवंतिका, लेकिन कोई तो वजह होगी. In fact वजह है एक common factor की, pain, दर्द. अबे इसको क्या का दर्द है बे? उल्टा दर्द दिया है साले. The moment you entered this room, I could see that you were in pain. साला समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है. मेरा भी साथी दर्द ही है. मैं नहीं जानता तुम्हारी दर्द की वजह क्या है. शायद कोई अतीत की घटना या किसी अपने का खो जाना. मेरी दर्द की वजह द्वेष है. ये दर्द ही है जिसने हमें यहाँ जकड़ के रखा है. अपने काम के लिए इतना कमिटेड कि चाहे कुछ भी हो जाए कोई चीज गलत नहीं होने देगी. आप किसी मासूम को तकलीफ या किसी हराम खोर को रिहाई ना मिले. ये दर्द ही एक दौर जिसने, यू नो, वरना आने वाले कुछ दिनों में मुझे फांसी हो जानी है. इसीलिए सोचा कि आपके साथ वो मजाक किया जा सकता है. द चॉइस इज योर्स. मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप मेरे लिए लड़ो. जरूरत नहीं है. पर हाँ, एक बात जरूर बोलूंगा कि प्लीज खुद से भी मत लड़ो. जहाँ लौंडिया दिखी नहीं वहां लाइन मारना शुरू. एक मिनट जूम करता देखना कैसे ना जैकेट पक्का उठा हुआ होगा साला. एक सवाल पूछ सकता हूँ इफ आई मे? हूम वुड यू ट्रस्ट, a man with a troubled conscience or a troubled man himself? Let me know if the subject is in accordance with your intent as well. Sir, Awantika. Kuch pata chala? Not yet. परा बैंगनी के नीचे पढ़ो समझो आंखों और जानो वो घटना. क्या हो अगर दुनिया की मोटर बंद हो जाए चलना? ज्ञान मंदिर के उस गाथा में छिपे कई जवाब अब
समपक्ष सुकृत्रिम जंगल को, जिसे उजाड़ गए नवाब, मेल होते जा सब, चाहे कितनी सो चाहे ब्यासी, बाप रोया, बैठा रहा परम अनुभौतिकी का विशेष कर, इस्तेमाल से जब छाई उदासी। क्या क्या था इसका मतलब? और ये तो रिकॉर्ड भी हुआ होगा ना, कहीं उन्हें शक तो नहीं हुआ? रिकॉर्ड सुनते भी है वो लोग तो उन्हें लगता है कि वो कुछ मंबल कर रहे हैं, कुछ बकवास। वो लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते। मुझे भी काफ़ी अजीब लगा था, बट ही वॉज ट्राइंग टू कम्युनिकेट समथिंग। जिस चीज़ ने मेरा ध्यान अपनी ओर खींचा वो था मेल होते जहाँ 31-82। कोऑर्डिनेट्स, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, और वो वही कम्युनिकेट करना चाह रहा था। मैंने वो कोऑर्डिनेट्स को फॉलो किया। मैं एक पब्लिक लाइब्रेरी पहुंची, यस, ज्ञान का मंदिर, एंड इट वॉज बिहाइंड अ गार्डन, कृत्रिम जंगल। कॉर्नर के शेल्फ में काफ़ी बुक्स की सिनॉप्सिस को पढ़ने के बाद एक बुक मिली। गेस व्हाट वॉज द सिनॉप्सिस रिटन एट द बैक? द अस्टाउंडिंग स्टोरी ऑफ अ मैन हु सेड ही वुड स्टॉप द मोटर ऑफ द वर्ल्ड एंड डिड एग्जैक्टली लाइक शिवम सेड, दुनिया की मोटर के रुकने की बात। ही मीन टू से दैट व्हाटएवर ही वांटेड टू कम्युनिकेट वाज इन द बुक? एग्जैक्टली, लेकिन मैंने पूरी की पूरी किताब पढ़ी कवर टू कवर। 3 दिन लगे उसे ख़त्म करने में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे पता चले कि उसने जो मुझे अपनी आइडेंटिटी बताई है वो जेन्युइन है। बैंगनी के नीचे, परा बैंगनी के नीचे यूवी रेज। स्पेशल लाइट्स की शॉप में जाकर यूवी लाइट्स खरीद के मैं तुरंत घर पहुंची। जैसे ही मैंने यूवी लाइट बुक के नीचे रखी, आई कुड सी मार्किंग ऑन 2 लेटर्स ऑन पेज नंबर 1। दूसरे पेज पर भी एक लेटर की मार्किंग थी, तीसरे पेज थी एक लेटर पे मार्किंग, फोर्थ पे नहीं पर 5th पेज पे थी। फिर पेज नंबर 6-7 पे कुछ नहीं था, लेकिन 8 पेज पर एक लेटर मार्क था। फिर सीधा 13 पेज पे था एक लेटर मार्क। आर यू सजेस्टिंग दैट द लेटर्स वेयर मार्क अकॉर्डिंग टू द पेज नंबर इन राइट इन फिबोनाची सीक्वेंस? उसी तरह पेज नंबर 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987 एक वर्ड मिला, This doesn't make any sense. बुक के एंड पेज पे लिखा था, गो बैक टू द शेल्फ। Thank you.
मैंने पेपर पे बहुत सारे कॉम्बिनेशन ट्राई किए बट नन ऑफ देम मेड एनी सेंस एंड आई हैड ओनली वन शॉट यू कैन चेक इन द नोट पैड फर्नेस्टर डेरूथ इज एन एनाग्राम अर्नेस्ट रदरफोर्ड फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स शिवम के रिडल में ही उसका आंसर था One man forge ahead.